बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ आने वालों को और खुसूसन अपने प्रेस के साथियों को, दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और अतः दिल की अतः गहराइयों से आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। इसके बावजूद कि यहाँ वैसे तो काफ़ी आपको फॉग, स्मॉग और बड़ी घुटन की फिजा का जो है चर्चा किया जाता है, लेकिन क्या खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने आज जो है एक ऐसी रोशनी दी है, एक ऐसा सूरज दिया है, एक ऐसा आज मौसम दिया है कि मैं समझता हूँ दुनिया के बेहतरीन मौसम में आज इसको शुमार किया जा सकता है। मैं पाकिस्तान के लिए मोहब्बतों का, अमन का, खुशियों का और मैं समझता हूँ भाईचारा और नफ़रतों को दफन करके एक सफ़र का आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इन्हीं खुशियों का मुतहम्मिल है, इन्हीं चीज़ों का मुतकाजी है। 25 करोड़ अवाम हमारे, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की शक्ल में एक खित्ता दिया है। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ की ज़मीन ही पाकिस्तान है? नहीं, इसकी रूह है पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम ही को मुक्तदिर करना आईन की मंतहा है। आईन के आप प्रियम्बल से शुरुआत कर लीजिएगा और रियासत की तारीफ में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक इक्तदार जो है अल्लाह ताला के इक्तदार आला के ताबे, वो पाकिस्तान के अवाम ही रियासत है इस मुल्क की। और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े मुंदर्ज है कि वफादारी रियासत के साथ, यानी वफादारी अवाम के साथ, क्योंकि रियासत की तारीफ में आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई नहीं है, ना अदलिया है, ना कोई मुक्तदर हलके हैं, ना हुकूमत है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली सूबाई हुकूमत, पार्लियमान और वफाकी हुकूमत, ये सभी मुतरश्शे होते हैं अवाम से, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से। सो रियासत की रूह ही अवाम की नुमाइंदों से होती है, और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ रियासत की है, यानी अवाम की है, और ताबेदारी आईन की है, कानून की पासदारी, जिसमें किसी और का दखल अमल नहीं है। और ये लिखा गया इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लॉयलिटी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो सदर पाकिस्तान हो, या कोई भी अकाबरीन में से हो, या नीचे एक मजदूर हो, किसान हो, दहकान हो, तो तय हो गया। और यही चीज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में ब्यूरोक्रेसी को तकरीर करते हुए फरमाया कि देखो हुकूमतें आती जाती रहेंगी, तुमने अवाम की वफादारी करनी है, क्योंकि तुम्हें अवाम के टैक्स से तनख्वाह दी जाती है। सो ये जो बुनियाद पाकिस्तान की थी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला के बाद पाकिस्तान की अवाम को मुक्तदर किया गया है, और अवाम उन्हीं खुशियों के मुतकाजी हैं जो आज मैं समझता हूँ हमें कुछ धुंधलाई हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि ये नफ़रतों की सियासत ख़त्म होगी। मैंने आज तक जो किया है आप देख लें, 5 दिहाई की मेरे सफ़र में मैंने इबादत समझ के, वकालत भी इबादत समझ के किए,
सियासत भी इबादत समझ के की है, जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है, लेकिन सबसे पहले मेरी वफादारी धरती माँ के साथ है। और धरती माँ सिर्फ समझ सकती है अगर हम आईन पर अमलदारी करें, क्योंकि आईन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है। उस इमरानी मुआहदे में आपको तमाम तर फलाही ममलिकत के खदो खाल और असूल नजर आएंगे। सो इस पर मैं समझता हूं कि अगर हम अमलदारी दिल से करें अगर मेनुअन करें तो तमाम चीजों के हल मौजूद है आईन के अंदर। और मैं समझता हूं कि जब जब हमने आईन से इनहराफ किया है हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा है, हमारी ममलिकत को नुकसान पहुंचा है। सो जमहूर ही जमहूर अवाम है, और जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे पाकिस्तान बना भी जमहूर और जमहूरियत को गोलियां चला के जंगों के जरिए पाकिस्तान मारज़ वजूद में नहीं आया था। हमारी साइकी में ही जमहूरियत है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखिएगा, अब कुछ कहते हैं कि वकला, अरे भाई तखैल पाकिस्तान वकील ने दिया, अलामा इकबाल मोहम्मद अली अलामा इकबाल ने दिया, बैरिस्टर अलामा इकबाल, तकमील पाकिस्तान बैरिस्टर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, जो आज भी हमें जोड़े हुए है, वो भी बैरिस्टर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दिया। तो आज भी जब इस पर यलगार हुई और चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर एक वो आमिर जो मुक्के दिखाता था उसने उसे माजूल किया इफ्तखार मोहम्मद चौधरी को, तो भी हरावल दस्ते के तौर पर वकील निकला था और सबसे पहले खून मेरे माथे पर जो लाठियां बरसाई गई थी माल रोड पर, सारी पाकिस्तान की कौम दुनिया सारी ने देखा था। वहां से एक शुरुआत हुई जो वोकला बरादरी भी उठी और फिर सियासी जमातें भी आईं और पब्लिक ने लबैक कहा और दुनिया ने माना और हमने साबित किया कि मुक्के दिखाने वाला बहुत बड़ा डिक्टेटर जो है खशो खासा बह गया जब अवामी उसके खिलाफ नफरत ने जन्म लिया। तो इसलिए आईन से इनहराफ करना, चाहे ज़ियाउल हक ने किया, वो भी आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जिसने कहा कि मैं जो है एटम बम से बाज नहीं आऊंगा, खा मुझे जान पर क्यों ना खेलना पड़े, और हेनरी किसिंगर ने धमकी दी उसे कि भुट्टो तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने एटम बम बनाना बंद ना किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और उसने वो साइफर जो है राजा बाजार रावलपिंडी में लहराकर कौम को एतमाद में लिया। लेकिन हमने बदकिस्मती से कोई हेनरी किसिंगर या अमेरिका को तो कुछ न कहा, लेकिन ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर उस अजीम कायद को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ पिछले हफ्ते में देखा, मैंने तीन वज़ीर आज़म का ये कब तक चलेगा कि हम अपने इस तरह से जो है वज़राए आज़मों को इस तरह से हटाने का खेल तमाशा करते रहेंगे। किसी को हम अदालती ज़रिए से हटाएंगे और किसी को हम जिस्मानी तौर पर ही मुनक़ते कर देंगे। लियाकत अली ख़ान को 1952 में गोली मार दी गई, गन डाउन हुआ, आज तक कोई पता नहीं है उसका क्या हुआ। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को देखिएगा, रानी बेनज़ीर भुट्टो को देखिएगा, वो भी तिश्नगी है अदालत। हर मर्तबा कौम ने अदालत की तरफ देखा। बदकिस्मती है हमारी कि जस्टिस मुनीर ही जैसे जजेस ने हमेशा मायूस किया इस कौम को, आज फिर हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अदालतों ने हल्फ उठा रखा हुआ है, खुदा रहा मैं उनको कहूंगा जस्टिस मुनीर मत बनिएगा। तारीख में अगर
हमारी अदलिया की लुगत में किसी को गाली कहते हैं तो वो जस्टिस मुनीर है, और अगर किसी को हम हीरो कहते हैं तो वो जस्टिस कार्नेलियस है, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन किरदार जिसने दिखाया, जिसने कानून पर अमलदारी की, जिसने आईन की पासदारी की, चूंकि आईन का हल्फ उठाया होता है वो अमर हो जाता है, उसका नाम भी मर के भी नहीं मिटता। तो हम तवक्को करते हैं कि आज अदलिया वही इंसाफ के तराजू को थामे हुए बराबर का इंसाफ करेगी। आज 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, आज जो इस्तेहसाल इस मुल्क का हो रहा है आपके सामने है, आज जो मिसिंग पर्संस हैं या डिसअपीयर्ड पर्संस हैं आप उनको देख रहे हैं, आज हमारी पिटिशन जो मैंने की थी चौधरी एतजाज आसन, वो दामे धर्मे सुख ने मेरे साथ है, उसने कह दिया है बवजह इलालत और बात है, लेकिन उसकी चूंकि वो पिटिशनर है दो केसेस में और मैं उनका वकील हूं, तो इसलिए उसमें भी हमारी देखिए बदकिस्मती, इससे बड़ा क्या इशू हो सकता है। आज आप देखें बलूचिस्तान से काफले आ रहे हैं मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लेकर वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर माँ है रियासत, माँ है वो भाई, रियासत से इंसान पाकिस्तान की अवाम या कोई दुनिया की अवाम अपनी रियासत क्या तवक्को करती है, जान और माल की हिफाजत की जो है पनाह मांगती है, चादर और चार दीवारी का जो है तहफ्फुज़ मांगती है। आज ना चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज़ है, ना जान और माल की तहफ्फुज़ है। मेरे घर पर फायरिंग होती है, मेरे बेटे पे गोली मारी जाती है, मुझे लिफ्ट में एक घंटा जो है वो सैर कराई जाती है, मेरे बेटे को 13 करोड़ और 65 लाख का नोटिस आ जाता है टैक्स का। चलें छोड़ें ये जाती बात पे मैं नहीं जाता, मैं आज पाकिस्तान की कौम को खुशियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हम खुशी का सफ़र करने के लिए मैं आज ये कदम उठाया है, कौम को एक खूबसूरत दिन की तरफ ले जाने की अज़्म करके मैं। कोई कहते हैं कि यार ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो के तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। ऐसा पागल मैं समझ कर जानबूझ के कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान को धरती माँ की खिदमत करने में पागलपन है तो हाँ मैं पागल हूँ। अगर इमरान खान जिंदाबाद, सरदार लतीफ खान खोसा जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। देखें ये सच को सच कहना, हक को हक कहना, मैं समझता हूँ कोई ऐसे खौफ ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे, ये छोटे छोटे जो है खौफ, दौलत, इकतदार, ताकत, ये इसके खुदा आपको बिल्कुल छोटे पिगमीज नजर आएंगे। हमारा ईमान क्यों मुतज़लज़ल हो जाता है? ये पांच चीज़ें अल्लाह ही के हाथ में हैं, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं है। ये कहना कि मेरा रिज़्क बंद हो जाएगा अगर मैं ये काम करूँगा और इस तरह से ये लूंगा, तो ये अल्लाह ही जो है के हाथ में है, इसलिए किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मैं समझता हूँ हमें मिलकर अज़्म करना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। लतीफ खोसा जिंदाबाद, लतीफ खोसा जिंदाबाद, लतीफ खोसा जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। सो इसमें किसी को ना तो खाइफ होने की जरूरत है। देखिए क्यों खाइफ हो, ओ भाई ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है, आईन में इनके हदूद व कयूद मुतय्यन शुदा हैं, अवाम के टैक्सेस से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, ये जितनी मराज चाहे अफवाज पाकिस्तान के जनरलों को मिली हुई हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिली हैं, चाहे ये मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है इन सारों के, इनके असल मालिक अवाम हैं जो इनको अपने पेट काट के इनको पैसे देकर टैक्स से और इनको जो है
तनख्वाहें देती हैं, देते हैं और मराहत इनको देते हैं, और इनके फराइज में है जजेस के कि वो इंसाफ फराहम करें। अफवाज पाकिस्तान के फराइज में है कि वो न सिर्फ बॉर्डर्स का हिफाजत करें बल्कि उनको अगर अंदरूनी कोई ऐसी खलफशार में सिविलियन हुकूमत इमदाद में बुलाती है, चाहे वो सैलाबकारी हो, चाहे वो तबाहकारी हो जल्जलों की, उसमें मुआवन और मदद करना ये उनके फराइज मनसबी में है। सो इसलिए खुदा रहा आइए हम अपने हदूद और कयूद में रहें और इस फलाही ममलिकत की एक दाग बेल डालें। ये कबाहतें सिर्फ उस वक्त होती हैं जब हम अपने अख्तियारात से मुतजावज होकर दूसरे के अख्तियारात में चले जाते हैं। इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान सरजमीन बे आइन बन चुकी है। भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनाकाद यकीनी था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस को कि कम से कम उन्होंने वो जो धुंधलाते हुए बादल थे, कोई कहता था इलेक्शन होगा 8 फरवरी को या नहीं होगा, एक जमात के सरबराह फरमाते थे कि 2 सूबों में तो बर्फबारी है, हो ही नहीं सकता है, दूसरे कोई कुछ कहता था कि जी ये इस तरह चूंकि हम नहीं लड़ते अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आती है। तो इन तमाम चीजों का इजाला हो चुका। लेकिन एक मुझे अफसोस भी हुआ चीफ जस्टिस के इस फैसले पर कि काश वो ये भी कर देते कि अपना जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स ये जुडिशरी ही में से दे देते। पहला सबका ऐसा ही चलता आया। अब आप हैरान होंगे कि मैंने कल दायर किया जो कल लगी हुई है, हमारे एक कारकुन मरमत साहब को देखिए, मुझे इस चीज का अफसोस भी होता है कि क्यों हम पाकिस्तान की क्या हम खिदमत कर रहे हैं जब हमारा एक सूबे से एक वकील भी है और एक वहाँ का एक सियासी पार्टी का मरकजी कायद भी है और उसने एक हलचल मचाई सारे सूबे में, जिसने देखा सारी दुनिया ने देखा, और वो सिर्फ वो कला के कन्वेंशन में तकरीर करने के लिए आए थे, शिराकत के लिए आए थे, और उसे हाईकोर्ट के गेट पर गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई ये सेंचुरी ऑफ पीस और जस्टिस है, क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या हम मेहमान नवाजी से इतने आरी हो चुके हैं पंजाबी और लाहौर के वकला कि हम अपने एक मेहमान आए हुए का तहफ्फुज़ नहीं कर सकते? मुझे शर्म आई कल। और फिर देखें डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो माशाल्लाह मौजूदा चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं चेयर टेकर है, केयर टेकर तो खत्म हो गया 90 दिन के बाद, ये कासिम है, मौजूदा चीफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के भांजी हैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा, वो अपने डिटेंशन ऑर्डर में क्या लिखती हैं, ए पर्सन फ्रॉम KPK नाम उसका लिख के, हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यार इस बात पे आप 30 दिन उसे नजरबंद कर सकते हो कि उसका पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? इस मफरूजे पर दुनिया में आज तक कैसा हुआ है ऐसा? तो अगर ऐसे आपने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के मुल्क का मुकद्दर अगले 5 साल के लिए उनके हाथ में सौंपना है, तो क्या हम रोज़े अव्वल से एक ऐसी कभी फेल का इर्तकाब नहीं कर रहे जिससे हमारा रियासत मुस्तकिल होने की बजाय, स्टेबल होने की बजाय, जम्हूरियत का तसलसल होने की बजाय, हम रोज़े अव्वल से उसकी ऐसी गलत दाग बेल डाल रहे हैं कि मन पसंद नतायज देने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसी हुक्म से एक जरा आप नतीजा अखज कर लीजिएगा जो मैंने छोटा सा बताया है। आप
ये ना दुनिया के किसी कानून में, ना दुनिया के आइन में, ना दुनिया के अखलाक में, ये दो सूबों की मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई है। बलूचिस्तान में पहले ही एक जो है टर्मोइल है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने इसको और ज़्यादा हवा दे दी। पश्तून पहले ही हमसे कहते हैं, सिंधी कहते हैं बड़ा सूबा इस्तेमाल करता है। हमने तीन सूबों को ये पैगाम दिया है कि पंजाब में मत आना, जुरत मत करना आने की, वरना हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। तो क्या हम ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? वफाक की ये खिदमत हमने की है? ये खुदा रहा ऐसे लोगों से बचिएगा जो पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के वफाक को हिला के रख देते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। वकील ने बनाया है, वकील ने तखय्युल दिया है, वकील ने आइन दिया है।